क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि मेरी बच्ची कल 10 बजे घर से गायब हुई है। साबुन लेने के बहाने गई थी, साबुन लेने मस गई। 5 मिनट बाद मैं आई कौन है जी, आई कौन है, तो थोड़ी देर हूँ इंतजार कर रही हूँ। मैं कहाँ से रिया से, क्या मोर बच्ची एडी है कौन, वो कुछ मोबाइल है कौन, और एडा लखनऊ में भी कौन। और मोने होटल वाले 10 दिन पहले कहे तो सारे उठा ले जा से, तो मोने मारी बच्ची लाए। तो गरीब आदमी है, मारे को गाड़े है ना को मोटर है, गरीब आदमी है मजदूरी करो खाओ। अपहरण हुआ, बस वास्तव में अपहरण हुआ है हमारे बच्ची का। वो हमारे बच्ची को लाके दो, आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास गए थे, वो उन्होंने सुनी नहीं जब हम इधर आए। क्या करे साहब, आपको किसके ऊपर शक है? हमारे वो मालियों पे शक है हमको। होटल वाला है, उसने बोला था कि 10 दिन पहले कि आपकी बच्ची को अगवा करेंगे। मैं ऐसे कैसे करेंगे जब हम क्या करें, बस गरीब आदमी। अब हम तो समझते नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो क्या समझे। पुलिस में तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है? आई नहीं, तो हमको क्या पता, मैं ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे, घर से कोई लेके जाता है क्या पड़ोस में? पुलिस में तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लिखनी पड़ी, क्या करें हम? बोला था उन्होंने, बोला था ऐसे लिखो। किसने बोला आपको ये लिखने के लिए? साहब नहीं बोला, और किसने बोला? इसलिए आप अभी किससे मिलने आए हो? मैं एस पी साहब से मिलने आया, गरीब आदमी है, रिक्वेस्ट है हमारे बच्ची को घर के ले आओ। अब 12 घंटे कल वाले हो गए, 12 घंटे रात वाले हो गए, 24 घंटे में अभी उनके माँ बाप को भी नहीं लाके यहाँ पर पटका। अभी आपको धमकियाँ किसने दी थी? वो पास वाले मालियों ने दी थी, उस लड़के के वो दोस्त वगैरह ने। कोई नाम वगैरह कुछ आपको? हाँ, उसका नाम कालू है, और वो पड़ोस में मूलाराम के होटल में रहता था। किसका आया था वो बताओ? मूलाराम का फोन आया था कि आपकी बच्ची को संभाल के रखना, इसके मन में पाप है, वो उठा के लेके जाएगा। 2 घंटा पहले हमको बोला, तो मैं हमने ऐसे मन में सोचा ही नहीं कि भैया वो ऐसे उठा के लेके जाएगा। 1 घंटे में गायब हो गई। अरे 5 मिनट में गायब ही हो गई। वो कालू के होटल में काम करता था? हाँ, काम करता था, वॉचमैन था। हमारे घर के पास में ही थी होटल, तो हमारे घर वास जैसे ही था, घर के बच्चे जैसा ही था। हमारा लड़का मैं उसमें कौन शांतर था। होटल जो प्लॉट है वो हमारे मायके, वो प्लॉट है हमारे मायके ने हमारे को दिया था। हमारी मजबूरी थी, हमारे घर गरीब आदमी थे, मेरे पति की हालत खराब थी, जब मैंने गिरवी नामा लिख के उनको दे दिया। अब उन्होंने हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार के हमारी बच्ची को अगवा कर दिया। अब हमारी बच्ची को लेके आओ, बस गरीब आदमी है, यही रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के। और उनको बुला के, और उनके माँ बाप को यहाँ पर ला के पटको, तो अपने आप वो अपने आप पेश हो जाएंगे। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है जो भाई समझदार हो तो, क्या भाई ऐसी उलझ तंदी होती तो भाग जाएगी। घर से कुछ नहीं लेके गई, 50 रुपये साबुन के लेके गई है, वही लेके गई है, पुराने कपड़े पहने हुए है, स्नान करने के बाद पानी भर के रखा है घर पे। मारे फेंकी है 24 घंटा तो पाया हमें कदे लाए जैसे मैं निकली ना कई तो कांटे फेंकी है तो कहना था मैं तो बैठा गरीब आदमी के जाओ मोरे को घर काटे को नहीं को ले दौड़ा हुआ ला रहे हमारी रिक्वेस्ट है कि जे हमारी दिक्री लाए दो हमारे पेट बड़े कल हम पूरा दिन थाने में बैठे रहे, पानी तक नहीं पिया, बस इधर जाओ उधर जाओ, ये रिपोर्ट लिखाओ वो रिपोर्ट लिखाओ, ये करो वो करो, क्या क्या करो। हम हमारी बच्ची की टेंशन ले या इधर भागते दौड़े, ये बताओ ना आप। ये चीज अभी किसी और के साथ, आपके साथ किसी और के साथ होती तो क्या करते, ये बताओ आप। कर रहे क्या, 24 घंटे पूरे हो गए हैं, कुछ नहीं है, हमको एसपी से मिलना है और एसपी से मिलाओ और बस ये बात खत्म। हमको ये करनी है, और जो वो लड़का है उसके माँ बाप को पता नहीं चला, उसके होटल को सील कराओ, धमकी देने वाले, बस यही कह रहे हैं। वाले को लेके आओ यहाँ से सबसे पहले, और कुछ नहीं करना, माँ बाप को लेके आए पेश करो। और जो जो धमकी दिया उसका नाम क्या है? चंपा लाल और मूलाराम, उन्होंने दी थी धमकी 2 घंटा पहले, फिर आपकी बच्ची बच्ची को उठा के लेके जाएंगे उनको यहाँ, उसके बाद कुछ नहीं, उनको यहाँ लेके आओ हमारे, उसको आपके यहाँ पेश करो, एसपी से मिलाओ, और हमारा हमको 24 घंटे हो गए, हमारी बच्ची को लेके आओ, और कुछ नहीं करना, मार के फेंक दिया बस, क्या पता हमको कुछ हो गया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप अरे सब सही है, हमें आपको लिखा ही नहीं, हमें आपको लिखा ही नहीं, हमें आपको
चुप चुप।